तर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितलंय की आमच्यावरती कोणताही दबाव नाही, परंतु वारंवार जे विरोधक आहेत ते अशा प्रकारे दावा करत आहेत की न्यायालयावरती दबाव आहे, केंद्राचा दबाव आहे, त्याच्यावरती चंद्रचूड यांनी संविधान केलं. मग आज सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेवर मी काही बोलणार नाही, पण देशाचे कायदा मंत्री जे आहेत आपले किरण रिजिजू, हे मात्र वारंवार न्यायालयावर दबाव आणतात. कालचंही त्यांचं वक्तव्य जे आहे की काही न्यायमूर्ती आजी माजी जे काही असतील ते हे सरकारविरोधी मत व्यक्त करतात किंवा अशा पद्धतीनं राष्ट्रद्रोह्यांना मदत करतात, याचा अर्थ काही धमकी आहे का? आणि त्यांना आम्ही बघून घेऊ. सरकारविरुद्ध काम करणं किंवा सरकारविरुद्ध बोलणं देशद्रोह नाही. मुळात अशा प्रकारे कायदा मंत्र्यांनी वक्तव्य करणं हा न्याय यंत्रणेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आणि अत्यंत गंभीर बाब आहे. देशाची न्यायव्यवस्था न्याय यंत्रणा स्वतंत्र राहू नये, ती सत्ताधाऱ्यांच्या टाचेखाली राहावी, त्यांची गुलाम राहावी. आमचं ऐकलं नाही तर आम्ही तुम्हाला धडा शिकवू, अशा प्रकारची धमकी आहे. आम्हाला हवे तसे निर्णय द्या, आम्ही नंतर तुम्हाला जे देऊ राज्यपाल पद इतर सरकारी पद ती घ्या आणि गप्प बसा, आणि जे घेणार नाही आणि जे भूमिका मांडत राहतील त्यांना आम्ही सोडणार नाही. अशी भूमिका अशी धमकी जर या देशाचे कायदा मंत्री घेत असतील तर तो या देशाचा या संविधानाचा आणि कायद्याचा खूप मोठा अपमान आहे. ज्या पदावर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बसले आणि कायदा मंत्री म्हणून त्या पदाला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली, त्या पदावर असे लोक बसवून न्याय यंत्रणेला धमका देणारं सरकार, यालाच हुकुमशाही म्हणतात. आणि राहुल गांधींनी याच हुकुमशाहीविरुद्ध लंडनमध्ये आवाज उठवला आणि तो आवाज उठवला म्हणून राहुल गांधींचं लोकसभेचं सदस्यपद रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू आहे आणि म्हणून आम्ही या सगळे दिल्लीत जातो. बोला बताइए. धमकी है हमारी जुडिशियरी को सीधी सीधी धमकी है, हमारी बात मानो, हम जो कहेंगे वही करो, अगर नहीं करोगे तो देखा जाएगा, हम सरकार है हम सत्ता है. इस प्रकार की धमकी अगर देश का कानून मंत्री देता है उसका मतलब क्या है? जरूर मैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड साहब का बयान भी मैंने देखा है कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है. आप जैसे बहुत कम लोग होंगे जो दबाव को मानते नहीं, लेकिन दबाव है. और मैं देख रहा हूँ कि देश के लॉ मिनिस्टर कानून मंत्री जिस पद पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बैठे थे, जी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान लिखा है, उस पद पर बैठकर आप जजेस को धमकियां दे रहे हो, आप जुडिशरी को धमका रहे हो, ये कौन सा लोकतंत्र है? अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपको शांति से जीने नहीं देंगे, देख लेंगे. ये कानून मंत्री को शोभा नहीं देता. एक तो हमारी बात मानो और बाद में हम जो रिटायरमेंट के बाद आपको राज्यपाल बनाओगे, राज्यसभा में भेजेंगे, किसी कमीशन के चेयरमैन बनाओगे, ये सब सुविधा लीजिए, नहीं तो कार्रवाई को सामने जाइए. और सर कहीं ना कहीं हमने देखा है कि पास में भी इस तरह के स्टेटमेंट दोनों की तरफ से दिए जाते हैं, चीफ जस्टिस हुआ किरण रिजिजू की तरफ से, तो कहीं ना कहीं जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है उसको ठेस पहुँचाने की. ये सरकार जब से सत्ता में आई है तब से ना संविधान मान रही है, ना कानून मान रही है, ना संसद को मान रही है. ये सबको मालूम है. जिस इलेक्शन कमीशन में हस्तक्षेप किया, जुडिशरी में हस्तक्षेप हो रहा है, सीबीआई में हस्तक्षेप हो रहा है, ईडी में हस्तक्षेप हो रहा है, वैसे वो अपने कब्जे में अपने जेब में इस देश की सर्वोच्च कानून व्यवस्था न्याय व्यवस्था भी अपने जेब में डालना चाहते हैं. लेकिन इस देश में आज भी कुछ जजेस ऐसे है, न्यायमूर्ति है, जो सरकार के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है, उनके लिए ये धमकी है. बीजेपी लगातार डिमांड कर रही है राहुल गांधी माफी मांगे, जिस तरह से उनका जो स्टेटमेंट. राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ.
मैं शिवसेना का मुख्य प्रवक्ता हूँ, मैं शिवसेना का नेता हूँ, लेकिन माफ़ी क्यों मांगे? अगर माफ़ी मांगनी है तो भारतीय जनता पार्टी में और आज कैबिनेट में ऐसे बहुत लोग हैं जिसने सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। विदेश में जाकर हिंदुस्तान के बारे में, देश के नेताओं के बारे में जो जो वक्तव्य आपने किया है उसके लिए कौन माफ़ी मांगे? राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र के बारे में शंकाएं, प्रश्न खड़े किए हैं। जिस तरह से हमारे संसद में काम चल रहा है, हमारे जैसे विरोधी पार्टी के जो नेता है उनको जेल में डाला जा रहा है, हमारा आवाज़ बंद करते हैं ये लोग, हाँ सिर्फ माइक नहीं बंद कर, हमारे जैसे लोगों का आवाज़ बंद करने के लिए हमारे ऊपर झूठे मुकदमे डालकर हमें जेल में डाला जाता है। ये क्या लोकतंत्र है? अगर ये लोकतंत्र बचाने के लिए राहुल गांधी अपनी भूमिका व्यक्त करता है तो माफ़ी क्यों मांगे? ब्रिटिशों के खिलाफ भी बहुत से क्रांतिकारक, बहुत से नेता विदेश में जाकर काम करते थे और बात रखते थे अपने सामने, क्योंकि इस देश में उनको बात रखने नहीं दी जाती। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल जी ने कोई गलत काम किया है। महाराष्ट्र की बात करें तो भागेश्वर धाम यहाँ आए हुए हैं, कहीं ना कहीं लगातार विरोध किया गया था कांग्रेस की तरफ से कि उनको यहाँ बात बात विरोध करने की नहीं, मैं वो ऐसे बाबा बीबा के ऊपर हम लोग बात नहीं करते। महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव स्टेट है। उन्होंने पिछले बार संत कराम को लेकर काफी अभी वो समझना चाहिए, जिसने उसको इन्वाइट किया है इस बाबा को वो समझना चाहिए ना। ये सब आरएसएस का खेल है, ये सब फिर एक बार राजनीति में धर्म का, जात का अवडंबर लाने के लिए लो ठीक है। सर मुख्यमंत्र्यांची आज खेडमध्ये सभा आहे, ज्या ठिकाणी उद्धव ठाकरेंनी सभा घेतली, त्या ठिकाणी आता ते सांगतायत की कोकणातली संपूर्ण जनता ही मुख्यमंत्र्यांच्या मागे। नो कॉमेंट्स। 5 मार्चला उद्धव ठाकरेंच्या सभेनं चित्र स्पष्ट झालेलं आहे। आता कोण येत आहे, कोणत्या सभा घेत आहे त्याच्यावर आम्ही कशा करता बोलावं? पण जनता कोणाबरोबर आहे, खेड असेल, दापोली असेल, रत्नागिरी असेल, सिंधुदुर्ग असेल, निवडणूक स्पष्ट होईल। सर पंजाब में जिस तरह से मैसिव क्रैकडाउन देखने मिल रहा है, जो प्रो खालिस्तानी है अमृतपाल सिंह बकायदा, बाकी जो 78 लोग हैं उनको पकड़ लिया है, वो भाग गए हैं। मेरे हिसाब से उनको पकड़ लिया है, ऐसी मेरी जानकारी है। मेरी जानकारी है, शायद गलत होगी, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उनका स्वागत करना चाहिए। संतांवरती विधान केलेला बागेश्वर यांना मुंबईत आमंत्रित केलेलं आहे, मी त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात प्रचार देखील केला। नाही, कोण बोलवतं यांना? संत तुकारामांविषयी, आमच्या धर्माविषयी अशा प्रकारचे वक्तव्य करणाऱ्यांना इथे बोलवून जे काय दरबार भरवले जात आहेत, महाराष्ट्राचं जे पुरोगामी चित्र आहे ते बदलण्याचा प्रयत्न होतो। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।